इंडिया बनाम बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जिसमें इंडिया ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, जिसमें बांग्लादेश की पूरी टीम 6 ओवरों में 70 रन बनाकर खेल रही है। अभी भी एक भी विकेट नहीं गिरा है। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह ने लगातार 3 ओवर फेंके हैं, 3 ओवर ही मेडल फेंके हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 3 ओवरों में 9 रन दिए हैं। इसके बाद में बात बताऊँ भाई, शरीफ इस्लाम जो है 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन टीम के बारे में बताता हूँ क्या है, प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत जायसवाल, सुमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि टीम में भी एक भी बदलाव नहीं किया गया है, ये कई लगभग 3-4 सालों बाद किया है कि भारतीय टीम ने इस मैच में लगातार एक ही प्लेइंग 11 उतारी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई कि भारत का पहले बांग्लादेश को भारत एक पारी खेलेगी, बांग्लादेश को दोनों पारी खिला देगी और भारत पारी से जीतेगा। लेकिन एक और बात मैं बताऊं भाई, इधर श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के मैच की बात की जाए तो श्रीलंका की टीम मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी है, 353 रन बना ली है 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें कुशल मेंडिस 68 रन बनाकर खेल रहे हैं, धनंजय डी सिल्वा 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर एंजेलो मैथ्यू 28 रन बना करके आउट हो गए हैं। और यहीं पर भाई दिनेश चांदीवाल ने 208 गेंदों में 116 रन बनाए, अपना शतक बनाया जबरदस्त। लेकिन अभी भी देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को भी हारने वाली है ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, इस मैच में क्या आज पूरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर देगी भारतीय टीम या नहीं, लेकिन अभी तक तो ऐसा लगा है कि एक भी विकेट नहीं गिरा है। लेकिन ये बांग्लादेश की खासियत है भारत के सामने कि शुरुआत में विकेट नहीं देती है 20-50-60 रन तक, लेकिन उसके बाद जब देती है तो एक साथ ढेर हो जाती है ये टीम। भारतीय टीम की गेंदबाजी खेलना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन जब भारतीय टीम की विकेट थोड़ी शुरुआत में गिर जाती है लेकिन उसके बाद से जो खिलाड़ी जमते हैं वो काबिलियत तारीफ के खिलाड़ी हैं। लेकिन इसके बाद में देखना होगा भाई, अब तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बैट से रन आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों 5-5 स्थान खिसक चुके हैं ICC की रैंकिंग में से। लेकिन यहीं पर जसप्रीत जायसवाल को भाई एकमात्र अकेले बल्लेबाज हैं जो 5वें नंबर पर हैं।